मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। इन अंतिम चरणों में नेताओं के चुनावी प्रचार तूफानी दौरे चालू हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा में सपा प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस आम सभा में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह दोनों ही पार्टियां सिर्फ छलावा करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इस बार बहोरीबंद विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बताया जा रहा है कि बहोरीबंद विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का चुनावी समीकरण बिगाड़ने का काम अखिलेश यादव ने कर दिया है। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं की निगाहें अब अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत पर टिकी हुई है। देखिए, बुनियादी सवाल यही है, अगर आपको याद हो, देश के प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे तो उस समय प्रचार करते समय उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये जो खुला जानवर है, छुट्टा जानवर है, इसकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन अगर आप आज भी हम मुड़ करके देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की और बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, तो उम्मीद क्या करोगे उनसे? जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर हैं। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए, आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना, इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का? और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हैं आप डबल इंजन की सरकार? तो किसको धोखा दे रहे हैं आप?